भाजवा बर्सर द्वारा खेलेगा युवा आगे बढ़ेगा भारत नाम से कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने शिरकत की और युवाओं का मार्गदर्शन किया। कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल मैच डटवाल टीम और धंगोट्टा टीम के बीच हुआ। डटवाल ने धनोट्टा टीम को 18 रनों से हराया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने विजेता व उप विजेता टीम को इनाम देकर सम्मानित किया। उन्होंने विजेता टीम को 11,000 तथा ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 7100 रुपए व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट के रेफरी पंकज शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता व काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि आज के समय में युवा पीढ़ी गलत संगत में पड़कर नशे की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों से हमारा मनोबल बढ़ता है और युवा जब मैदान में पसीना बहाते हैं तो उनमें न केवल खेल के प्रति भावना जागृत होती है बल्कि बुराई की ओर भी उनका ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि हमें खेलों को हार जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलना चाहिए। जिन्होंने एक अच्छी सोच, पहले इन्होंने कहा कि हर बूथ में किटें देंगे, किटों का भी काम किया और मैच भी कराने चाहिए 10 बूथों का, वो मैच अभी करा नहीं पाए और इतना बढ़िया कबड्डी का भी मैच कराकर जो कि 10 टीमों ने भाग लिया और बड़ा शांतिपूर्वक से लास्ट का जो फाइनल मैच है देखा, मैं कबड्डी मैं भी खेलता था, कबड्डी कई साल हमने भी खेली और अच्छा करके और कोच साहब पंकज शर्मा जी ने जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अच्छा मौका आने वाला है, हम इसको प्रमोट करेंगे, हर साल इसे अच्छा ही मैच कराएंगे, इसे अच्छा मैच भी कराएंगे। और युवा मोर्चा ने ये स्टैंड लिया था कि हमारा युवा मोर्चा जो 11,000 जितने वाली टीम को और 7,500 सेकंड नंबर को, तो मैंने भी कहा है क्रिकेट वालों तो हम 5-5 हार देते हैं, कबड्डी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अच्छा है कि अच्छी जगह पैसा लगा, हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान खेले और भारत आगे बढ़े, युवा खेले और भारत आगे बड़ी तरह करके हमारी अनुराग भाई जी की और हमारी पार्टी की हमारी मोदी साहब की यही सोच है ताकि बच्चे नशे की तरफ न जाएं, चाहे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इनको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, जहां जगह मिलेगी वहां अच्छे स्टेडियम भी आने वाले समय में जो साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारा पत्र है कि हर जगह हम छोटे छोटे स्टेडियम बना के कबड्डी का, जैसे हमने बिजन स्टेडियम बनाया और उसका इतना लाभ नहीं मिला पर कई जगह हमारा दिखौला का एरिया में काफी भूमि है उनको चेंज करके धोटा के एरिया में इस तरह करके हमने कई जगह देखी, गोलेडा के पास भी है, तो इनको आने वाले समय पैसा देंगे ताकि बढ़िया वहां कबड्डी भी करा सके और जो कोच पंकज जी का जो शर्मा जी का नाम लिया है कि बड़ी मेहनत इन्होंने की है, तो आने वाले समय में जहां के सहयोग से जो भी होगा उसको कबड्डी को और हमें कैसे आगे तरक्की करे। अब देखा शाम को रोज मैं मैच देखता हूं,